फॉर्मूला गिवन है या फिर ये ट्रायल हाँ ना बेसिस हाँ पे होता ये है? हाँ अच्छा एक चीज देखिए, ट्रेन ऑपरेशन एक साइंस है। जब हम साइंस कहते हैं तो उसके इंडक्शन के जितने भी प्रोसेसेस हैं उसे अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि ये उस तरह से नॉर्मेटिव साइंसेस जिस तरह से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ऐसा तो नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। लेकिन थिंग्स जो हैं, अगर उसमें लोकल फैक्टर को एसोसिएट कर दिया जाए तो एग्जैक्टली प्री डिफाइन अंदाज में चलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह के फेनोमेना को जैसे आप लेबॉरेटरी में रिक्रिएट करते हैं और जिस तरह नेचर में रिक्रिएट होता हुआ देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप रिक्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी इन्हीं बुनियादों पे हम कहते हैं ना, चीजें साइंस हैं और साइंस नहीं है। जी सर एक रिक्वेस्ट थी, आप सर सिग्नल टर्म्स में एग्जैक्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस को थोड़ा डिफाइन करेंगे कि एग्जैक्ट डेफिनेशन आप उसकी क्या कंसीडर करते हैं? देखें जी, किसी ट्रेन को रोकने के लिए जितना डिस्टेंस चाहिए उसे उसकी फुल स्पीड से लेके जीरो स्पीड तक, ये उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस है। अच्छा, ब्रेकिंग डिस्टेंस की टर्मिनोलॉजी ये जितने भी डिजाइनर्स हैं ना, चाहे वो रोड व्हीकल डिजाइन के हैं, अच्छा वो भी डिफाइन करते हैं कि जी मेरी गाड़ी का फुल ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, जी सर। इससे मुतल्लिक कोई सवाल? अब अगर हम ब्रेकिंग डिस्टेंस ठीक से कैलकुलेट ना कर पाए या ब्रेकिंग डिस्टेंस की प्रायर इंफॉर्मेशन ना हो हमारे पास, तो क्या होगा कि हम ट्रेन ऑपरेशन, सेफ ट्रेन ऑपरेशन नहीं चला सकते। हमेशा आप एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की बाउंड्रीज में जो है पेनिट्रेट कर रही है, ऐसा है कि नहीं है? ऐनक देना बेटा मुझे, इसको ना यार फोन बड़ा कर दो ना। जी ठीक है, जी जी सर। सर। अब हम कहते हैं कि जी ट्रेन सेपरेशन की बुनियादी तौर पे ये तीन ही थ्योरीज हैं। ठीक है कि ये जो रिलेटिव ब्रेकिंग डिस्टेंस पे ट्रेन सेपरेशन होगी, या किसी एब्सोल्यूट ब्रेकिंग डिस्टेंस पे ट्रेन सेपरेशन होगा, या किसी फिक्स्ड ब्लॉक डिस्टेंस पे ट्रेन सेपरेशन। हैव यू गॉट माय पॉइंट? जी सर। अच्छा, एक मजे की बात ये कि देखें, बुनियादी तौर पर ना, इससे जब हम आगे की तरफ जाएंगे ना, तो थोड़ी सी चीजें ज्यादा टेक्निकल होना शुरू हो जाएंगी। वो मतलब है एक मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है ना, रिस्पॉन्सिबल सिग्नल इंजीनियर्स की होंगी। तो इसको हम जस्ट एक बेस बनाने के लिए यूज करेंगे। हेलो, जी सर, आवाज सुन आ रहे रही है हैं। मेरी? हाँ हाँ यस सर, आ रहे हैं। तो अगर आप लोग ज्यादा पढ़ना चाहें इससे फर्दर डिटेल में, तो नेक्स्ट स्लाइड्स जो है ना आप लोग ले लीजिएगा, वो आप देख सकते हैं। जो आपसे मुतल्लिक है वो अप्रोक्सीमेटली ये यही बेसिक हिस्सा है जिसके ऊपर हमने नेक्स्ट बिल्डिंग बनानी है। एक तरीका ट्रेन चलाने का ये था कि हम ट्रेन सेपरेशन करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये जब कोल ऑपरेशन था और घोड़ों के जरिए ट्रेनें चलाई जाती थी, तो उस वक्त ये तरीका अप्लाई किया जाता था कि जी 10 मिनट हुए हैं एक ट्रेन को निकले हुए, तो उसके पीछे जो है ना आप दूसरी चला दें। लेकिन अगर किसी वजह से वो ट्रेन रास्ते में खराब हो गई और ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो इतना ज्यादा है कि आपको जब पता चला, आपने एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक अप्लाई की, तो उस वक्त तक आप उसमें ठुक चुके होंगे, जिसका ना कोलिजन हो चुका होगा, क्योंकि आप जिस जगह पे आपने रुकना है वो जगह तो आपको नजर नहीं आ रही, और जहां से आपने एक्शन लिया है वो जगह आपको नजर आई है।
दैट्स व्हाई ये तरीका कोई इतना खूबसूरत नहीं रहा। हाँ ये तरीका अब मेट्रो में किसी न किसी अंदाज में या ट्राम सिस्टम जहाँ चल रहे होते हैं ना वहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है। एक तो ये कि ट्राम में स्पीडें बहुत कम होती हैं तो आराम से जो है ट्रेनें कंट्रोल की जा सकती हैं, एज वेल एज जो मेट्रो सिस्टम्स हैं वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग के साथ डील कर रहे होते हैं तो वो लीनियरली जो है ना स्पीड अपनी कंट्रोल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट जेन, तो वो बेसिकली रिलेटिव ब्रेकिंग डिस्टेंस के प्रिंसिपल पे चल रही होती है। ठीक जी, जी शहरयार रीम साहब हैं हमारे, शहरयार बताएंगे बरखुरदार आप। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर आवाज आ रही है आपकी। जवाब नहीं आ रहा। जी सर आ रही है आवाज आपकी। शहरयार साहब बैठे हैं? शहरयार आप बैठे हैं खड़े हैं? बेटा मुझे पेन देना जरा, मैं अटेंडेंस ही लगा लूं उनकी। अगर मैं ये बंद करूं तो वो नजर आएंगे मुझे? हाँ चलें बंद करें। जरा अब्दुल्ला कुरैशी साहब आप मौजूद हैं? जी आवाज नहीं आई सर, वो मौजूद नहीं है। तो उगलो ना यार, आगे चले, सबको साफ चूक गया है। नेक्स्ट बताएं, अबू बकर शौकत जल्दी बोले, है नहीं है? अदनान खान, अहमद आसिफ अली, अहमद नूर, अमजद अली, प्रिंसिपल सर चितन दास, अमजद अली है? जी सर अमजद है। अमजद है, मैं आप कचहरा मुबारक देखना चाहूंगा, ये लगाना नजर मैं देखूं अमजद साहब कौन से हैं। आप वीडियो ऑन करें ना अपनी। जी सर एक मिनट, ऑन कर रहा हूँ अभी कैमरा से। जी सर अमजद अली देयर। ये आप गोहर हफीज हैं सर? अमजद अली हैं। अमजद अली सर। अच्छा जी ठीक है अमजद, थैंक यू सर। अच्छा नेक्स्ट जो है मुझे चीतन दास दिखाएं। गोहर हफीज नहीं है, गोहर हफीज दिखाएं। सर प्रेजेंट हूं मैं। जी बेटा जरा अब जरा आएंगे कैमरे के सामने। जी जी सर मैं आ जाता कैमरे के। सर एम आई टेबल कहाँ बैठे हो? सर क्या कहते रूम में बैठा हूँ सर, आ रही होगी आपको? जी सर आपको आ रही होगी वीडियो? हेलो आप गोहर हफीज हैं बेटा? जी जी गोहर हफीज हैं जी, गोहर हफीज गोहर। अच्छा लाल नबी प्रेजेंट सर। जी कैमरे के सामने आए जरा। यस सर मैम।
नजर आ रहा हूँ सर जी? नहीं आ रहा है सर, कैमरा ऑन किया। ठीक जी, वेलकम जी। थैंक यू सर। ये आप लोग एक जगह पे नहीं बैठे हुए मतलब है? नहीं सर, सारे अलग अलग है क्योंकि ऑनलाइन क्लास थी तो हर कोई अपनी उसे ले रहा है, जगह से ले रहा है। अच्छा जी, लाल नबी आ गए जी। अच्छा, फहद कैसर खान अलीजई, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट जी सर, मैं देखना चाहूंगा आपको। जी सर, कैमरा ऑन करें। जी सर, आ रही है वीडियो? जी नहीं। थैंक यू सर। ये है जी फहद कैसर। जी जी, फहद कैसर। अच्छी, थैंक यू बेटा। मोहम्मद राफे इकबाल, मोहम्मद राफे इकबाल प्रेजेंट सर। सर अभी जी, कैसे हैं राफे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से? आप अब तक ठीक है? जी फिलहाल ठीक है ना। फिलहाल ठीक है, अच्छी बात है। क्या है ये राफे साहब, आप एएन ने कहां के रहने वाले हैं राफे आप? सर मैं डेरा इस्माइल खान सूबा खैबर पख्तूनख्वा। माशाल्लाह, वेलकम इन रेलवे। मोहम्मद रिजवान अदील, थैंक यू बेटा। जी कोई है? मोहम्मद रिजवान नहीं है इस वक्त। तो भाई बता दो, क्यों टाइम जाया कर रहे हो? मोहम्मद सलमान जी सर। जी जरा कैमरा, कैमरे में आएंगे बेटा? मोहम्मद जी सर। जी सर, अच्छी बात है। सलमान साहब आप कहाँ से हैं? लाहौर से सर। लाहौर से, बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू बेटा। और मोहम्मद शहरयार नबीद, मोहम्मद शुएब, मुनीर अहमद वो भी नहीं है, मुशर्रफ मजीद सर। प्रेजेंट सर, अस्सलाम वालेकुम जी। जरा कैमरे के सामने आएंगे सर, मुशर्रफ मजीद है। कैसे हैं आप? जी सर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? थैंक यू जी। सालिक हारून नब्बासी। यस सर। लब्बैक, जरा चेहरा दिखाएंगे बेटा? आ गया सर। चलें, थैंक यू बेटे। उमर अली, उमर अली ये तो था ना, ये उमर अली। यासिर हुसैन प्रेजेंट सर। जी मैं देखना चाहूंगा बेटा आपको। सर ऑन किया हुआ है कैमरा मैंने।
अच्छी बात है। जुल्फकार अली अनम आजम दुरानी मिस अनम आजम दुरानी यस सर प्रेजेंट जी आप कैमरे के सामने आएंगे जी सर आई एम हियर वेलकम इन रेलवेज हानिया रहमान हानिया रहीम इकरा लतीफ प्रेजेंट सर जी आप कैमरे के सामने आएंगी जी सर आ रहे सर ऑन है कैमरा निमरा नदीम बताएं शैला फोक राजा मोहम्मद यूसुफ सर जी आप चेहरा दिखाएंगे जी सर स्क्रीन पे आ रही जी हम कंटिन्यू करें जी सर जी जी सर बिल्कुल जी सर जब हम ब्रेकिंग डिस्टेंस की बुनियाद पे एक नई ट्रेन ऑपरेशन को डिजाइन करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये ट्रेन कंट्रोल प्रिंसिपल्स हैं और ब्रेकिंग डिस्टेंस को सामने रखते हुए हम ट्रेन कंट्रोल प्रिंसिपल डिड्यूस करते हैं कि द प्रिंसिपल यूज फॉर सेफ ट्रेन सेपरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया हाउ मूवमेंट of authority is transmitted from track to train, how the track is released behind a train, कि train ने कब और किस तरह movement to authority ली, देखें driver को कैसे पता चले कि मेरा passage साफ है, number एक, number दो ये कि जब वो वहाँ से pass कर जाए तो पिछली आने वाली ट्रेन को कैसे पता चले कि वो ट्रेन कंप्लीट चली गई है इनफैक्ट ये दो वो असूल हैं जिसकी बुनियाद पे हम कोई भी सिग्नलिंग सिस्टम या ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो है ड्राइव करते हैं ठीक जी जी सर अब आप चाहें तो 10 मिनट कर लें ब्रेक उसकी वजह यह है कि दरमियान वाले हिस्से मैंने स्किप किए हैं सिर्फ इसलिए वो वैसे जस्ट डिस्क्रिप्शन है कोई ऐसा सच आपसे रिलेट नहीं कर रहा आप चाहें अपने नॉलेज के लिए जो है एक्सपेंड कर सकते हैं हम 10 मिनट बाद एक नई प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे सर सेफ ब्रेकिंग कर्व क्या है और फिर सेफ ब्रेकिंग कर्व मॉडल क्या बनेगा और फिर उसकी बुनियाद पे हम एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं ट्रेन कंट्रोल सिस्टम और उसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और स्पोर्टिंग सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी ठीक जी जी सर जी ये तो हमने मेरा ख्याल है पहले बात की कि हम जो है ना टाइम इंटरवल पे ट्रेनें चला सकते हैं या जो है स्पेस इंटरवल पे चला सकते हैं
جو کہ ماضی میں کیا گیا. اور اچھا ان اسپیس انٹرول سسٹم دا ہول لینتھ آف ٹریک از ڈیوائڈیڈ انٹو نمبر آف اسمال سیکشن کالڈ بلاک سیکشن اینڈ ایٹ اینی ٹائم دیئر کین بی اونلی ون ٹرین ان اینی بلاک سیکشن. دس سسٹم واز اسٹارٹیڈ ان یو کے ان 1956 اینڈ مڈ سیکشن کولیژن وار اوائڈیڈ بائی دس سسٹم. تو جو بلاک سیکشن کے درمیان میں جو کولیژن ہوتا تھا نا وہ ہم نے اس سسٹم سے اوائڈ کر دیا. اچھا مزے کی بات یہ کہ بلاک سسٹم کی ڈیولپمنٹ میں سب کانٹیننٹ کا ایک ایکسیڈنٹ بڑا اچھا رول پلے کرتا ہے اور وہ کہلاتا ہے آران باغ ایکسیڈنٹ. کراچی میں جو ہے نا بلاک سیکشن میں دو ٹرینوں کا ہیڈ آن کولیژن ہو گیا. ان کا اپ ڈاؤن ٹرینیں تھیں اور ان کا جو ہے نا سنکرونائز نہیں ہو سکا. اسٹیشن ماسٹرز اویئر نہیں تھے کہ وہاں سے ٹرین چلی ہے کہ نہیں چلی اور دونوں نے ٹرین چلا دی. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ٹرین کا بریکنگ ڈسٹنس جو ہے جہاں ٹرین نے رکنی ہوتی ہے وہ جگہ ڈرائیور کو نظر نہیں آ رہی ہوتی اور ایک بڑا خوفناک ایکسیڈنٹ. اس کے لیے پھر یو کے کی پارلیمنٹ میں باقاعدہ ایک لیجسلیشن پاس ہوئی. اس کے بعد میں پھر پورا انٹرنیشنلی اپلائی ہونا شروع ہوئی کہ جی ٹرین آپریٹنگ پرنسپل جو ہے وہ بلاک سیکشن ٹو بلاک سیکشن کہ جی دو اسٹیشنوں کے درمیان کی جگہ بلاک سیکشن کہلائے گی اور اس بلاک سیکشن میں بیک وقت ایک سے زیادہ ٹرینیں آپ نہیں ڈال سکتے. ہیو یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ جی سر. تو گویا کہ یہ ایک ایسا پرنسپل بن گیا جو کہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے پاس کیا کہ پوری دنیا میں اب ٹرین آپریشن کے لیے لازمی ہے, اپلائی ہوتا ہے اور کوئی بھی ریلوے اس کے بغیر ٹرین آپریشن کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہی چیز جو جب ہم کسی بلاک سیکشن کو کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ٹرین کنٹرول سسٹم. اس کی جو جتنی بھی بلاک سیکشن کو کنٹرول کرنے کی ٹیکنیکس ہیں وہ پھر ٹرین کنٹرول سسٹم کی ٹیکنیکس بن جاتی ہیں. نیکسٹ چلیں. یس سر. جی سر. اچھا ہمارے جو یہ دیکھیں انیشیلی جو ہے نا وہ بریک صرف انجن میں تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ پچھلی جو جتنی بھی لوڈ ہے وہ سارا کا سارا اسے انجن کی بریک نے روکنا ہے. اور پرٹیکولرلی جب آپ کسی گریڈینٹ کی رائزنگ گریڈ ہو یا فالنگ گریڈ ہو تو ایک دم سے بریک کا بیہیویئر بھی چینج ہو جاتا ہے اور جیسے ہی اگر آپ کا لوڈ زیادہ اور کم ہے تو بھی بریک کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کے بعد ایک کنٹینیوس بریکنگ سسٹم ایوالو ہوا جو کہ تمام کی تمام ویگن میں ہی بریک اپلائی ہو اور سیملٹینیسلی. اچھا ہمارے جو تو گویا کہ جو بریکنگ ڈسٹینس ہے انفیکٹ وہ کور بنیاد بنتی ہے کسی بھی سگنلنگ سسٹم کے ڈیزائن میں اور ٹرین کنٹرول سسٹم کے ڈیزائن میں. ایز ویل ایز اگر آپ نے کوئی رولنگ اسٹاک آپریٹ کرنا ہے تو بھی بریک اپلیکیشن جو ہے نا یہ ایک کور ویریبل ہے جس سے آپ اپنے سسٹم کو پری ڈیفائن انداز میں یا میں یہ کہوں کہ سائنٹیفک کرتے ہیں. ادر وائز اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کرتے تو وہ آپریشن تو ہو سکتا ہے لیکن دین اٹ کڈ ناٹ بی کالڈ اے سائنٹیفک آپریشن. ٹھیک جی.
जी सर मुसलमानों आवाज नहीं आई सर आ रही है चले आप लोग की नहीं आ रहे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता चले कि कम से कम ये जो आठ आदमी है ये तो मौजूद है बाकी की तो खैर है सर सर हम माइक्स म्यूट रखते हैं इसलिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो नहीं बेटा बात पता क्या है कि क्योंकि आप लोग स्कैटर्ड हो ना तो मुझे नहीं अंदाजा कि कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है किससे कंट्रीब्यूट हो रहा है किससे नहीं हो रहा जी सर बाद में क्या पता है आप माइक बंद करके किचन में चाय बना रहे हो उन लोगों का कोई पता है अच्छा तो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है ना मुख्तलिफ तरीकों से कैलकुलेट करते हैं कि थियोरेटिकल कैलकुलेशन है वो इस तरह के जी हम ये देखें कि इसका मोमेंटम क्या है इसकी स्पीड क्या है और इसकी ब्रेकिंग पावर क्या है या दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूँ कि डिसलरेशन क्या है कि किस रेट से ये डिसलरेट होता है और दूसरा तरीका जो कि आजकल हम अप्लाई करते हैं कि वो कॉम्बिनेशन थ्योरेटिकल कैलकुलेशन तो अपनी जगह पे है लेकिन हम प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में और मुख्तलिफ लोड्स के साथ हम अपने ब्रेकिंग पावर को टेस्ट करते हैं और ये तकरीबन तमाम रेलवे अपनी एनवायरनमेंट के को देखते हुए जो है ना ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करती है और कोई भी रोलिंग स्टॉक इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले किसी भी रेलवे में अप्लाई नहीं होता ये एक सेटल आप ये कहें कि हमारा जो है ना एसओपी है तो ये चार्ट की फॉर्म में हमने दिखाया है कि जी फैक्टर कौन सी हैं जो ब्रेकिंग डिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं फिर जी ट्रेन स्पीड है बड़ी सादा सी और दूसरा अंडरलोड है ये दोनों मिलके जो है ना आपका मोमेंटम बनाते हैं ऐसा ही है ना जी सर जी सर जी सर और फिर ट्रेन लोड जो है उसकी अपनी डायनामिक्स है कि जी उसकी रेल टू व्हील इंटरफेस कैसा है उसकी मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ कि फ्रिक्शन कितनी है एडिशन कितनी है एडिशन कितनी है और फ्रिक्शन कितनी है कंडीशंस ऑफ रेल क्या है और ब्रेक हम किस तरह की अप्लाई कर रहे हैं आमतौर पर ना मतलब है ब्रेक सिंथेटिक पहले हम कास्ट आयरन की ब्रेक्स यूज करते थे बुनियादी वजह यह है कि कास्ट आयरन जब टफ मेटल के साथ स्लाइड करता है तो एक मैक्सिमम फ्रिक्शन देता है लेकिन इसके साथ साथ वो एक एब्रेसिव इफेक्ट देता है कि वो लेयर जो कि अटैच होती है वो गर्म होने के बाद नीचे मैं कहूँ ग्राइंड होकर नीचे आ जाती है और एक नई लेयर सामने आ जाती है तो इस तरह से जो है ना एक तो हीट ट्रांसमिशन उसकी कम होती है दूसरा ये कि फ्रिक्शन ज्यादा होती है इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन लेकिन दूसरी टेक्निक्स जो है ना हम अब यूज करते हैं कि जी सिंथेटिक पैड्स हैं और ब्रेक की लोकेशन है कि हमने किस जगह पर ब्रेक प्लेस किस जगह पर करना ठीक है हम नेक्स्ट चले जी सर और यही इनफेक्ट जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है ये वजह बना है मोस्ट डेवलप्ड रेलवे जो है उसमें एक स्पेशलाइज सिस्टम इवॉल्व किया गया जिसे हम कहते हैं ऑटो ट्रेन प्रोटोकॉल या किसे हम ऑटो ट्रेन स्टॉप नहीं कहते ऑटो ट्रेन ऑपरेशन नहीं कहते हम इसे ऑटो ट्रेन प्रोटेक्शन कहते हैं कि ये मॉडल जो है ये कंटिन्यूसली एट इंस्टेंटेनियसली एट एवरी स्पीड अपना एक ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट किए रखता है और इमरजेंसीज में उसे पता होता है प्री डिफाइन होता है कि ये कहाँ जाके रुकेगी एटलीस्ट ड्राइवर को तो नहीं लेकिन सिस्टम जानता है और जब आप ये जानते हैं तो आप पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में सिस्टम को ऑप्टिमम यूटिलाइज भी कर सकते हैं और ऑप्टिमम प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं और ऑप्टिमम कैपेसिटी जो है ना वो भी हार्वेस्ट कर सकते हैं और यही इनफैक्ट ब्रेकिंग जो जब हमने इसे कंप्यूटराइज किया और इसकी सिमुलेशंस इवॉल्व कर ली तो यही बुनियाद बना मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम के डेवलप करने
जिसे हम आप कह लें एटीपी कह रहे हैं या ऑटो ट्रेन प्रोटेक्शन है या ऑटो ट्रेन ऑपरेशन है, पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल है, इवन यूरोपियन ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारे का सारा बुनियादी तौर पर जो कैलकुलेशन है जो उसको सेफ्टी को सर्टिफाई करता है वो इसका ब्रेकिंग मॉडल है, और उसकी कैलकुलेशन दोनों तरह से की जा रही है कि आपकी एनवायरनमेंट कैसी है जिस पे ट्रेन ऑपरेट हो रही है, गोया के व्हील रेल इंटरफेस क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन का लोड क्या है, और वहां पे ग्रेडियंट क्या है। ठीक जी? जी सर। ये एक जनरलाइज शेप है। अब ये देखें, ये लीनियर फंक्शन नहीं है, आप सारे इंजीनियर हैं, ये एक नॉन लीनियर फंक्शन है, और लेकिन इसे हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, इसे लीनियर कर सकते हैं, गोया के अगर हम अपनी ब्रेकिंग पावर जो है वो उसका डिजाइन एक डिफरेंशियल इक्वेशन पे बनाते हैं तो हम ट्रेन की ब्रेकिंग को बिल्कुल लीनियर अंदाज में कंट्रोल कर सकते हैं। इस बात पे किसी ने बहस वगैरह तो नहीं करनी? सर पॉइंट दोबारा रिपीट करें। देखें ये ब्रेकिंग पैटर्न आप देख रहे हैं? जी सर। ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? नॉन लीनियर है सर। अच्छा, गोया कैसे लगता है ये कर्व का पीस है? जी सर। अगर मैं इसकी एक इक्वेशन बना लूं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। जी सर। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बना लूं, और फिर उस मैथमेटिकल मॉडल पे अपनी ब्रेकिंग सिस्टम डिजाइन कर लूं, तो सूरत हाल क्या होगी कि मैं रिजल्ट्स जो है ना, ये ठीक है नॉन लीनियर है, लेकिन रिजल्ट्स जो है ना आपको लीनियर मिलने शुरू हो जाए, कि अगर आपका ब्रेकिंग नॉन लीनियर है तो आपका कंट्रोल भी नॉन लीनियर है। जी, क्या मैं बात समझा पाया हूँ? जी सर। जी सर। नहीं समझा पाया तो भुगते। नहीं सर, समझे। नाउ इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट अ कर्व, वंस नोन द ब्रेकिंग पैटर्न इट इज इजी टू डिटरमाइन व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड इज एट व्हिच व्हीकल कैन ट्रेवल so that it can stop safely before target या or danger point। ठीक हो गया? तो हमारे ATP में आमतौर पे क्या होता है, वो data receives data packets from track side containing virtual signals, speed restrictions along the line, वो है कि आपके पास track condition का सारा data होता है, at each instant by instant the protective curve is drawn and verify that the current speed of train is always below the maximum defined by the model। तो आमतौर पे आपको मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है कि कहीं पे आप स्पीड अपने ब्लॉक सेक्शन में स्पीड कम कर रहे होते हैं, ज्यादा कर रहे होते हैं, या जो है ना आप कहते हैं कि ये सेक्शन जो है ना मेरा 120 का है लेकिन ये सेक्शन यहाँ मेंटेनेंस हो रही है तो 30 किलोमीटर पे है। आप 30 किलोमीटर पे ब्रेकिंग कर्व को कैलकुलेट करना, 120 पे कैलकुलेट करना, या 10 किलोमीटर पे कैलकुलेट करना, ये आपका जो ऑटो ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है वो ये परफॉर्म कर रहा होता है, और जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि ट्रेन कहाँ रुक रही है, तो गोया कि आपने अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है प्री डिफाइन ऑर्डर में लिया। जब आप प्री डिफाइन ऑर्डर में ले आए तो आप ईच एंड एवरी इंच ऑफ ट्रैक जो है उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज भी कर सकते हैं।
तो अब आपके पास चैलेंज ट्रेन कंट्रोल का नहीं आता, चैलेंज आपके पास आता है कि मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना अच्छा हार्वेस्ट करूं, कितना अच्छा ऑप्टिमम यूटिलाइज करूं। ठीक जी? जी सर। चलें जी, फिर हम नेक्स्ट। अच्छा, यहां से जो है ना, इस बैकग्राउंड से हमारे पास तीन तरह की रिक्वायरमेंट्स जनरेट होती है, जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, वी हैव थ्री फंडामेंटल ट्रेन कंट्रोल सिस्टम रिक्वायरमेंट। पहली है फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, पहली है ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, और फिर है सपोर्टिंग सेफ्टी रिक्वायरमेंट। अच्छा, आप सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो सेफ्टी रिक्वायरमेंट एक ही है कि जी ब्रेकिंग, इसे रोका कैसे जाए और रोको कहां जाए। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स तो ये होती है ना कि इसे सेफ कैसे चलाया जाए, और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आपकी ये हैं कि इसे कैसे सेफली एक दूसरे के करीब ना आने दिया जाए, कैसे सेफली जो है इसे रोका जाए या कैसे सेफली चलाया जाए। और सपोर्टिंग सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स वो हुई जो कि इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, कि फर्दर इनके फंक्शंस को एंड यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोलिंग स्टॉक। आपका सारा का सारा बिजनेस जो है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इस पे डिपेंड कर। नेक्स्ट, सेफ्टी फंक्शनैलिटी शुड हैव द मिनिमम नेसेसरी इंट्रूजन इनटू एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ रेलवे। अब प्रॉब्लम यह है कि सबसे सेफ तरीका यह है कि आप ट्रेन चलाएं ना, लेकिन जब आप ट्रेन नहीं चलाते आपको सेफ्टी तो मिल जाती है लेकिन आप कोई वर्क भी परफॉर्म नहीं कर पाते। दूसरा यह है कि हम इसे स्टेप्स में इसकी सेफ्टी को कैलकुलेट करें स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक इसे चेक करें, मतलब मेरी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स या सेफ्टी फंक्शनैलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मेरा ट्रेन ऑपरेशन रोक दे। आप समझ रहे हैं ना? यस सर। नेक्स्ट ये है कि रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी मस्ट बी सफिशिएंट टू फुलफिल द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। चीजें अगर एक दफा इंस्टॉल की गई हैं तो वो काबिले एतमाद होनी चाहिए, और अगर वो कभी ख़राब हो गई हैं तो उनके ठीक होने के, मेंटेन होने के कुछ तरीक़ेकार होने चाहिए, पहले से डिफाइन तरीक़ेकार होने चाहिए, ताकि मेरा ऑपरेशन जो है वो स्टक ना हो। और इसका आखिरी एलिमेंट्स जो है कि सिग्नलिंग डिग्रेड मोड ऑपरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू मिनिमाइज रिलायंस ऑन ह्यूमन इंटरवेंशन, कि जब आपकी चीजें खराब हो जाए तो फिर क्या किया जाए, कि फिर मेरे पास कोई ऐसा तरीकेकार मौजूद हो कि मेरा ट्रेन ऑपरेशन चलता रहे। ऐसा नहीं कि मेरी एक चीजें खराब हो गई तो मेरा पूरा का पूरा ट्रेन ऑपरेशन ही रुक जाए। इससे आपका कोई सवाल? सर, डिग्रेडेड मोड से क्या मुराद है? सिग्नलिंग मेरा मैं ये कहता हूं कि मेरा एक सिग्नल खराब हो गया, वो जल नहीं रहा, तो इस जगह पे मुझे ट्रेन चलाने का कोई तरीकेकार होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक हो गया, ठीक हो गया। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब सिग्नल बंद हो गया तो सारा का सारा ट्रेन ऑपरेशन बंद कर दे। That's why जो है ना, इस जब भी हम ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट डिजाइन करते हैं या कंसीव करते हैं तो इस एस्पेक्ट को लाजमी सामने रखते हैं कि आखिरकार एक ना एक तरीका जरूर ऐसा होना चाहिए जिससे मेरा ट्रेन ऑपरेशन स्टक ना हो।
ओके सर। अब जो हमने पहले देखी थी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो थी, हमने चार ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ली थी, उनमें एक थी कि फैसिलिटेट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशन। इसको हमने थोड़ा सा यहाँ एलेबोरेट करने की कोशिश की है कि उस पे क्या होना चाहिए, ट्रेन कैपेसिटी, हेडवे, स्पीड कैलकुलेशन फॉर ऑप्टिमम ट्रैफिक फ्लो। क्या आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं एक कितनी ट्रेन है, एक ट्रेन की कितनी देर बाद दूसरी ट्रेन चला सकता हूँ, नंबर एक, टोटल कितनी ट्रेनें चला सकता हूँ और उनकी किस स्पीड पे चला सकता हूँ। दिस इज दीज आर द पार्ट ऑफ एफिशिएंट ट्रेन ऑपरेशन। नेक्स्ट ये है कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ज्वाइनिंग, स्प्लिटिंग ट्रेन प्लेटफॉर्म, शेयरिंग, शंटिंग। जब हम ट्रेन किसी जगह पे ले रहे हैं तो दो ट्रेन इकट्ठी हो गई हैं तो हमने उन्हें कैसे मैनेज करना है, कि मेरे पास ऐसा तरीकेकार होना चाहिए कि ट्रेनों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, एक दूसरे से अलग रखने के लिए, जिसको हम नॉर्मली शंट करते हैं, उसके लिए रास्ते मौजूद। वरना मैं एफिशिएंटली अगर एक ट्रेन का दूसरा इंजन लगाना है तो मैं इंजन ही नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है जी, जी सर, जी सर। खैर मैं तुम लोगों को ना नाम ले लेके बुलाऊं, ये अनम आजम दुरानी जो है ना, ये मुझे बताएं भाई ये ठीक है कि नहीं है। यस सर। चलें, बड़ी अच्छी बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक एलिमेंट और भी है कि मैंने सिग्नलिंग सिस्टम अप्लाई किया तो जाहिर है कि उसका एक एप्लीकेशन टाइम होगा, और सेम उसका एक क्लियरेंस टाइम भी होगा। ऐसा ना हो कि एक दफा जब मैंने उसे अप्लाई किया, एक पाथ दे दिया, तो मुझे क्लियरेंस टाइम में बहुत ज्यादा वक्त लग जाए। ये मेरी एक शदीद ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है कि मेरा मिनिमम टाइम में प्रोसेस कंप्लीट हो और मेरा सिग्नलिंग सिस्टम नई ट्रेन को रिसीव करने के लिए रेडी हो। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। ऑफ कोर्स सर, ये जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं तो उनका टाइम ऑफ ऑपरेशन अगर देखा जाए तो वो तो विद इन सेकंड्स ही होता है, चाहे वो सीमाफोर हो या कलर लाइट सिग्नल हो। तो ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता हो सिग्नल ऑपरेट करने? क्वेश्चन से खबर दे रहे हैं सर, मैं एग्जांपल पूछना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा है जिसमें ज्यादा टाइम लगता हो? हाँ, जब आपने मैनुअली, हम कहते हैं की इंटरलॉक स्टेशन है, उसका प्रोसेस ये है कि स्टेशन मास्टर का जो मुलाजिम है, एक पॉइंट्समैन, वो एक चाबी लेके जाएगा फेसिंग पॉइंट पे, उस चाबी लगाएगा, ठीक है, उससे एक और चाबी निकालेगा, वो चाबी जो है ना वो उसके सिग्नल में लगाएगा, ठीक, उससे एक तीसरी चाबी निकलेगी जो उसके लीवर में लगेगी, और अब जो है स्टेशन मास्टर उस सिग्नल को लोअर करेगा। बिल्कुल इसी तरह एक रिवर्स प्रोसेस पूरा करेगा कि वो लीवर से चाबी निकालेगा, फिर वो सिग्नल से चाबी निकालेगा, फिर वो पॉइंट से चाबी निकालेगा। और आमतौर पे एक पॉइंट जो है स्टेशन मास्टर की बिल्डिंग से कम भी कोई 200 मीटर के करीब होता है, तो आप आने जाने का टाइम और प्रोसेस टाइम आप देखिए ना। ओके सर। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये कि सिग्नलिंग डिजाइन ऑफ इकोनॉमिक रेलवे ऑपरेशन, कि मैं ऐसा डिजाइन करूं कि मेरी ट्रैक्शन एनर्जी कम से कम लगे स्टेशन पे। आप समझ रहे हैं ना कि अगर मैं ऐसा डिजाइन करता हूं जिसमें ग्रेडियंट है तो लोकोमोटिव को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और अगर मैं ऐसा डिजाइन करता हूं जिसमें डाउनग्रेड है तो लोकोमोटिव के ब्रेकिंग सिस्टम पे बर्डन ज्यादा होगा। तो ये दोनों अमल जो है ना, ये मेरे
वियर एंड टियर जो है उसे बढ़ा देंगे, मेरी व्हील की कंजप्शन बढ़ा देंगे, मेरी रेल की कंजप्शन बढ़ा देंगे, मेरी पॉइंट एंड क्रॉसिंग की कंजप्शन बढ़ा देंगे। तो सिस्टम डिज़ाइन जो है उससे पहले हमने ये भी सोचना है कि ट्रैक्शन एनर्जी, एक्स्ट्रा ट्रैक्शन एनर्जी तो नहीं ले लेगा मेरा ये सिस्टम डिज़ाइन। ठीक जी, जी सर। अब हम जो हमारी ट्रैक्शन एनर्जी में सिग्नलिंग का क्या काम है? ये तो बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, रेलवे में सिग्नलिंग का काम क्या है? नहीं सर, ट्रैक्शन एनर्जी में ये मतलब ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर या आपके ग्रेडियंट उन पे मतलब डिपेंड कर रहा है। अब जो भी सिग्नलिंग सिस्टम लगाएं तो उसका तो अगर आपने सिग्नलिंग सिस्टम ऐसे डिजाइन किया है कि गाड़ी को डाउनग्रेड पे रोकना है, डाउन ग्रेडियंट है और सिग्नलिंग सिस्टम जो है डाउनग्रेड पे लगा हुआ है, आप समझ रहे हैं, अचानक जरूरत पड़ी ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की, तो ब्रेक फेनोमेना जो है ना वो क्या करेगा कि आपका ब्रेक ब्लॉक कंज्यूम हो जाएंगे, होना शुरू हो जाएंगे एक्स्ट्रा, आपका व्हील कंज्यूम होगा, आपकी रेल कंज्यूम होगी। ठीक, जो ब्रेकिंग डायनेमिक्स हैं उसमें एक और वेरिएबल ऐड हो जाएगा और वो उसका ग्रेडियंट है, और जैसे ही उसमें जो है ना उसे खड़ी करके चलाना पड़ेगा गाड़ी को अपग्रेड की तरफ, तो उसे ज्यादा ट्रैक्शन पावर यूज करनी पड़ेगी और ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। क्या ऐसा मुमकिन है? जी सर, ठीक है, क्लियर है, थैंक यू। चलिए जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है कि सेफ्टी फंक्शनैलिटी, मतलब सेफ्टी फंक्शनैलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सेफ्टी लेते हुए आप बहुत सी चीज़ें स्टक करते हैं, बंद करते हैं, उनकी यूटिलाइजेशन नहीं पॉसिबल करता। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेडवेज विद मिक्स एंड अटेनेबल स्पीड जो है ना आपने ज़रूर कैलकुलेट करने हर सेक्शन में कि जी एक ट्रेन के बाद कौन कौन सी ट्रेन चलाई जा सकती है, किस स्पीड पे चलाई जा सकती है, मैक्सिमम क्या स्पीड हो सकती है और मिनिमम क्या स्पीड हो सकती है। और दूसरी चीज जो है ना कि ये जो हम स्टेशंस पे जब ट्रेनें पास कर रहे होते हैं तो हम एक रूट को लॉक कर रहे होते हैं, एक को ओपन कर रहे होते हैं, ताकि दूसरी कोई ट्रेन जिस ट्रेन पे जिस रूट पे ट्रेन जा रही है कोई और ना हो। तो इस प्रोसेस में एक्सेसिव लॉकिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप यार्ड के दूर दूर के कांटे भी बंद कर दें जिनका इससे ताल्लुक ही ना हो, तो आपकी दूसरी यार्ड्स के अंदर मूवमेंट जो है ना वो स्टक हो जाए। ठीक जी, जी सर। और तीसरा एलिमेंट था उसका रिलायबिलिटी का, सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डिजाइन फिलॉसफी टू ऑप्टिमाइज द रिलायबिलिटी, के आपका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो रिलायबल हो और एट द फेलियर ऑफ एनी आइटम चीजें स्टक ना, सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे। नंबर दो ये कि आपके सिस्टम का बैकअप एग्जिस्ट कर रहा हो ऑपरेशनल, कि अगर आपका एक सिस्टम फेल हो गया है तो आपके पास बैकअप में एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा हो जो कि वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, जिसको हम कहते हैं ना स्टैंड बाय सिस्टम, हॉट स्टैंड बाय, कोल्ड स्टैंड बाय, तो इस तरह से एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक जी, जी सर। जी जुल्फकार, जुल्फकार साहब कहाँ हैं? जुल्फकार साहब है नहीं? नहीं जुल्फकार नहीं, ये यासिर, यासिर मौजूद है, यासिर बताएं। जी सर, जी जी सर। हाँ, अब एक और मजेदार बात ये कि जो भी प्रोडक्ट आप सिस्टम में लेके आते हैं रेलवे ऑपरेशन में उसकी रिलायबिलिटी पहले से टेस्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये प्रोसेसेस तमाम रेलवे में है कि
वो ओपन सोर्स आइटम्स जो है ना अडॉप्ट नहीं करते, बल्कि सिर्फ वो आइटम्स जो है ना एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर जो कि ऑलरेडी जिनकी रिलायबिलिटी टेस्टेड हो। ओके सर। और हमारा ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का आइटम नंबर 4 था कि सिग्नलिंग डिग्रेडेड मोड, कि जब मेरा सपोज एट किसी यार्ड में एक रूट ब्लॉक हो गया है तो एक तो मेरे पास कोई और तरीका मौजूद होना चाहिए, पैरेलल रूट मौजूद होना चाहिए एक चीज। दूसरा ये कि कभी भी कोई इवेंचुअलिटी आती है तो मेरे पास एक ऐसा कंट्रोल होना चाहिए जो सारे ऑटोमेशन को एकदम से ड्रॉप कर दे और एकदम मैनुअल पे आ जाए। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि ये ट्रेन जो ब्लॉक सेक्शन में चल जा रही है ये खतरे में है, तो मैं कहता हूँ कि इसके नेक्स्ट सिग्नल जो है ना मैं रेड कर दूँ, तो मेरे पास वो सलाहियत जो सिस्टम में वो सलाहियत होनी चाहिए। सर पाकिस्तान रेलवे के पास क्या नियम बदले अगर कोई सिग्नल डिफेक्टिव हो जाता है? हमें तो पढ़ाया गया था कि ओपी के थ्रू और बंदा हम खड़ा कर देते हैं अगर कोई सिग्नल खराब हो जाए। इसके अलावा कोई सर ह्यूमन इंटरवेंशन के अलावा कोई नियम बदल है अगर कोई सिग्नल खराब हो जाता है तो? आप जरा पहली चीज देखें ना, हमने जब कहा कि डिग्रेडेड मोड, डिग्रेडेड मोड का आपको सोल्यूशन मिला ना, एक चीज रिलायबल नहीं रही तो उसे कौन रिलायबल करेगा? वही इंसान, वही सेफ्टी पर्सनल जो उसे मैनेज कर रहा है, डील कर रहा है या जिसकी जिम्मेदारी है। तो ये तो किसी ना किसी स्टेज पे, किसी ना किसी जगह पे, हर सिस्टम के पीछे कहीं ना कहीं आपको इंसान जरूर मिलेगा कि जब सिस्टम फेल हो जाए तो वो इंसान वो जिम्मेदारियां जो है वो टेक ओवर कर ले। ओके सर। और बिल्कुल ये देखें कि जी आपके पास एक सिस्टम ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, डिग्रेडेड मोड सिग्नलिंग एंड सिग्नल्स, कि जब आपके सिग्नल्स डार्क हो गए, टूट गए, गायब हो गए, तो आपके पास कोई तरीका होना चाहिए कि आप अपना ट्रेन ऑपरेशन चलाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है और यही इनफेक्ट ये वो प्रिंसिपल है जिससे हम अपने जर्नल एंड सब्सिट्यूट ड्रा करते हैं, ये वो प्रिंसिपल हैं जिससे हम किसी यार्ड को डिजाइन करते हैं, और यही वो प्रिंसिपल हैं जिससे हम कहते हैं कि हम बेस्ट अंदाज में सेफ ट्रेन ऑपरेशन ले सकते हैं। हम चलें नेक्स्ट आइटम पे। जी सर। सर इसमें एक और चीज भी तो हो सकती है कि अगर हमने अल्टरनेटिव दे दिया है तो उन दोनों में से जो एक्चुअल आपका सिस्टम है और जो अल्टरनेटिव है उनमें से जो इजी हुआ आपका ऑपरेशंस का स्टाफ उसको ही बार बार यूज करने की कोशिश करे, इस तरह की भी सिचुएशन पैदा हो सकती है। आवाज ना, आपकी आवाज गायब, आपकी आवाज गायब होगी, मैं समझ नहीं पाया, दोबारा बोले सर। मैं जी 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 सर, मैं ये कह रहा हूँ कि फर्ज करें एक आपका मेन सिग्नलिंग सिस्टम है, फिर आपने उसको ऑगमेंट करने के लिए या उसका सेफ ऑपरेशन के लिए आपने एक अल्टरनेटिव भी उसका दे दिया कि इन केस अगर ये खराब होता है तो ये अल्टरनेटिव इससे हम फॉल बैक करेंगे, तो इन दो सिस्टम्स की मौजूदगी में आपका जो ऑपरेशन स्टाफ होगा, तो मैं ये कह रहा था कि ये भी तो सिचुएशन पैदा हो सकती है कि ऑपरेशन स्टाफ आपका जो उन दोनों में से ईजी सिस्टम हो उसी पे, उसी को यूज करने की बार बार कोशिश करे, हल्का सा कोई मसला आया फौरन वो अल्टरनेटिव पे चले गए, इस तरह भी होता है। असल में डी जनरेशन जो है ना, जब आपने कह दिया ना डी जनरेशन, इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम जो जिस पे आप ऑपरेट कर रहे हैं वो नहीं काम कर रहा, तो वो आपने लाजमी उस पे आना है जो कि उससे दूसरा है। और ये हम ना अपने ऑपरेशन में ये चीजें डिफाइन करते हैं। जरा देखें, मिसाल के तौर पे मेरा ऑटो ब्लॉक खराब हो गया तो मैं फौरन एब्सोल्यूट ब्लॉक पे आ जाऊँ, और मेरा एब्सोल्यूट ब्लॉक खराब हो गया तो मैं फौरन मैनुअल ऑपरेशन पे आ जाऊँ, ठीक? जी सर, ठीक। चले
अब हम देखते हैं अपनी हमारी जो फंक्शनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है. बिफोर अ ट्रेन कैन बी ऑथोराइज टू मूव ऑन टू अ सेक्शन ऑफ लाइन, मतलब ये वो प्रिंसिपल है कि उससे पहले आपने क्या करना है. नंबर एक, वंस अथॉरिटी टू इंटर अ सेक्शन ऑफ लाइन इज गिवन, सिक्योरिटी ऑफ द रूट शल बी मेंटेन्ड अंटिल द ड्राइवर और ऑटो ट्रेन ऑपरेटर शल बी प्रोवाइडेड. के आपकी जो ये नहीं है कि गाड़ी चली गई और आपकी जो है ना अथॉरिटी टू प्रोसीड आपने कैंसिल कर दी, ऐसा ना हो. जब तक के वो गाड़ी उस सेक्शन में मौजूद है आप उसकी अथॉरिटी कैंसिल नहीं कर सकते. आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर. आपने गाड़ी चला दी, गाड़ी ने स्टेशन क्रॉस करके ब्लॉक सेक्शन के अंदर चली गई, अब आप उसकी अथॉरिटी टू प्रोसीड कैंसिल नहीं कर सकते जब तक कि वो ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पे नहीं पहुंच. जब आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते तो आप नई गाड़ी भी नहीं चला सकते. ठीक है. और दूसरी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो ड्राइवर है जो भी ट्रेन चला रहा है उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन हो वो एम्बिगुअस ना हो. कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि सिग्नल चार एस्पेक्ट दे रहा है, दो एस्पेक्ट दे रहा है, उसे सिंगल एस्पेक्ट देना चाहिए. और नेक्स्ट ये कि सफिशिएंट स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन फॉलोइंग ट्रेन टू परमिट ईच ब्रेक टू स्टैंड सेफली. कंट्रोल शुड बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट और मिटिगेट कॉन्सिक्वेंसेस. अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं कि जब आप एक ट्रेन खड़ी करते हैं तो हम एक ट्रैक पॉइंट उसके साथ रखते हैं कि जी किसी भी वजह से ट्रेन अगर आगे पीछे जाए तो मेन लाइन को इन्फ्लुएंस करने के बजाय वो ड्रेल हो जाए. इस ये हमारे डिजाइन डायमेंशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है. और तमाम लेवल क्रॉसिंग्स को जो पब्लिक के लिए इस्तेमाल होते हैं आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है. मीन्स शुड बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स. कोई तरीकेकार होना चाहिए कि स्टाफ वहां काम कर रहा है तो उसकी प्रोटेक्शन का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए. और जो भी ट्रेन ऑपरेशन के लोग हैं उन्हें टाइमली और कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए ट्रेन की मूवमेंट ऑफ अथॉरिटी की कि ये जी ट्रेन चल पड़ी है. मिसाल के तौर पे लोग फील्ड में काम कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि जी ट्रेन आने वाली है और उनके पास ट्रेन को और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए. देयर शुड बी कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन सिग्नलर्स एंड अदर्स. स्टेशन मास्टर हैं और ड्राइवर्स हैं या स्टाफ है उनके दरमियान में कोई राबते का तरीकेकार. और अगर कोई ट्रेन उस लाइन पे गलती से जा रही है जो जिसके लिए वो नहीं है तो उसको महफूज करने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए. फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू स्टॉप अ ट्रेन इन एमरजेंसी. ठीक है ना, जिस तरह हम वो कहते हैं ना हमने चेन खींच दी. आप सुन रहे हैं? जी सर सुन रहे हैं. कि आप ट्रेन को रोकने का एक तरीका जो है ना आपने देखा होगा अगर ट्रेन में सफर किया हो तो एक चेन प्रोवाइड की जाती है कि इमरजेंसी में अगर ट्रेन को रोकना पड़े तो अंदर के लोग उसे कैसे रोकेंगे और बाहर के लोग उसे कैसे रोकेंगे. अब हम देखते हैं हमारी फंक्शनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या है.
कि ट्रेन चलने से पहले क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने ये देखना है जिस लाइन पे ट्रेन चल रही है वो सिक्योर हो, फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, और फिर ये क्लियर हो, ये प्रूव हो बल्कि के ये क्लियर है, ये नहीं कि अंदाजे से। आपके पास कोई ऐसा टेक्निकल तरीके कार मौजूद हो कि आप प्रोबेबिलिटी सर्टेन कर सके। और लाइन सिक्योर करने के लिए हमारे पास होता है कि ब्लॉक सिस्टम है, फिर ये ट्रेन इन बिटवीन टू ब्लॉक्स कैसे चलेगी, उसके लिए हम तरीके कार या इक्विपमेंट रखते हैं। हम पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ इक्विपमेंट रखते हैं कि पॉइंट पे जब गाड़ी खड़ी है तो वो पॉइंट हरकत ना कर सके, और अगर गाड़ी किसी रूट पे चली गई है तो वो रूट लॉक रहे जब तक कि गाड़ी जाए। उसकी बैक ट्रेन पे क्या हो, लोकोमोटिव में क्या आइटम्स हों, एक्सेसरीज हों, और लाइन साइड पे क्या हो। ठीक है, उसमें हम मेंशन करें कि जी ये सेक्शन जिस पे आप जा रहे हो उस पे स्पीड क्या होगी। ठीक है, हेलो जी सर। जी जी सर, सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो अब बात यह है कि जब आपने स्पीड बतानी है तो आपने उसे ये बताना है कि यार आपने स्लो चलना है, आपने बुक स्पीड पे चलना है या आपने रुकना है। तो इसके लिए हम सिग्नल लगाते हैं लाइन साइड पे और उसके एस्पेक्ट्स बना देते हैं कि जी ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है। ठीक हो गया। एज वेल एज इसी तरह हम सिग्नल जो है ना यार्डों के अंदर छोटे सिग्नल लगाते हैं जिन्हें हम शंट सिग्नल्स कहते हैं, और फिर इसी तरह ट्रैक के साथ साथ हम मुख्तलिफ निशान लगाते हैं कि जी ये आगे आपके लेवल क्रॉसिंग आने वाला है, आगे आपको एक सिग्नल देखना है। तो देखने से पहले हम उसे कहते हैं साइटिंग डिस्टेंस बोर्ड, हम लगाते हैं कि ये वो जगह है जहां से आपने सिग्नल देखना है। और फिर ड्राइवर के केबिन में कुछ डिस्प्लेज होने चाहिए कि उसकी स्पीड क्या जा रही है, उसके लोकोमोटिव की अदर इंफॉर्मेशन, उसका फ्यूल किस तरह, उसकी क्या सूरत हाल है, लूब ऑयल का प्रेशर कितना है, टेम्परेचर क्या है, ये तमाम मामलात भी उसको इंडिकेट होने चाहिए। और ऑपरेशन जो है ये ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, ड्राइवरलेस है, कैसा है, ये भी हमें उस सेक्शन में डिफाइन करना है। ठीक है जी। सर अब जरा इसकी और सेफ्टी रिक्वायरमेंट फोर किया है कि ट्रेन को की ब्रेकिंग डिस्टेंस की पहले से कैलकुलेशन होनी चाहिए कि जी ये कहां कहां हर जगह पे जब उसे रुकना पड़े तो वो कहां रुकेगी, प्री डिफाइन होना चाहिए। और लाइन साइड पे जो सिग्नल लगे हुए हैं उनके डिस्टेंसेस डिफाइन होने चाहिए ताकि क्या इसका डिस्टेंस इतना ना हो कि ट्रेन अकोमोडेट ही ना हो सके, या इतना ना हो कि ट्रेन जो है अपनी ब्रेक एप्लीकेशन के बाद विद इन सिग्नल रुक ही ना सके। और हमारे पास इमरजेंसी में इमरजेंसी सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसा कि अ ट्रेन पासिंग द एंड पॉइंट ऑफ इट्स अथॉरिटी टू मूव, अ ट्रेन एक्सीडिंग द मैक्सिमम परमिटेड स्पीड, कि जी क्या ट्रेन कंप्लीट आ गई है, यहाँ पे इसका अथॉरिटी टू प्रोसीड खत्म हो गया था, जहाँ पे उसका अथॉरिटी टू प्रोसीड खत्म हुआ वहाँ ट्रेन कंप्लीट पहुंची। और इसके लिए ना हम मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं कि जी हम एक ओवरलैप प्रोवाइड करते हैं
ये थोड़ा सा टेक्निकल है, हम साइड कोलिजन से बचने के लिए फ्लैंक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ट्रेन में मुख्तलिफ प्रोटेक्शन सिस्टम है, वार्निंग सिस्टम आप देते हैं। फिर हम ये बनाते हैं कि कोई भी ट्रेन जो है विदाउट अथॉरिटी टू प्रोसीड, विदाउट ऑथराइजेशन किसी भी ट्रैक पे मूव ना कर सके, उसके लिए हम रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। और फिर इसी तरह ट्रेन को रोकने और चलाने के लिए पीएम प्रोसीजर्स बनाते हैं। ठीक हो गया जेंटलमैन? यस सर। अब जरा ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखें कि जहां पे ट्रेन रोड के साथ इंटरेक्ट करती है वहां क्या करना है। क्या हमें पता होना चाहिए कि इस जगह से किस किस तरह की गाड़ियां गुजर रही होंगी, तो उसके उसको कंसीडर करते हुए आपको लेवल क्रॉसिंग डिजाइन करना है, उनके पैसेजर डिजाइन करना है। पैदल चलने वालों के लिए आपके पास पैसेजेस होने चाहिए और लेवल क्रॉसिंग को मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए कि वेदर ये वाकई क्लोज भी हो गया है या नहीं हुआ। फिर हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जी स्टाफ जो है उसकी प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म होने चाहिए कि जी आपने अगर स्पीड कम करवानी है किसी सेक्शन में अचानक, तो उसके आपके पास तरीके कार होने चाहिए। स्टाफ को वार्न करने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए और कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर हम ट्रेन को रोकना चाहें तो हम रोक सकें। ट्रेन कंट्रोल से मुतालिक जितने भी लोग हैं उनके पास अनएम्बिगुअस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सीक्वेंशियल होनी चाहिए और अथॉरिटी टू प्रोसीड जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब उसके लिए आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ पैनल पे मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ सिस्टम्स इवॉल्व करते हैं कि हम जी कंट्रोल इंडिकेशंस देते हैं कि जी ये ट्रेन इस जगह पे है, ये ट्रेन इस जगह पे है, इसके पास येलो सिग्नल पे जा रही है, ग्रीन पे जा रही है, रेड पे जा रही है। हम ट्रेन की नंबरिंग करके ये को के ये ट्रेन डिस्क्राइबरी सिस्टम हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है, इंटरनेशनली ये बड़ा इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है जिसमें एक सीक्वेंस के साथ जो है ना ट्रेनें टर्न बाय टर्न बाय जो है ना मूव कर रही होती है। तो इस तरह के सिस्टम्स होने चाहिए कि ट्रेनों की क्लासिफिकेशन हो सके। जितना मुमकिन हो आपके पास रूट सेटिंग ऑटोमेटिक हो, ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो और आपके पास इन पॉइंट को सेट करने के लिए और ट्रेनों को चलाने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए और फिर ट्रेनों के आने जाने उनको अलार्म करने के लिए आपके पास कोई अलार्मिंग सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है कि जी टेलीफोन सिस्टम्स होने चाहिए, रेडियो सिस्टम होने चाहिए और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम होने चाहिए। ये गोया कि जब हम किसी लोकोमोटिव में VHF प्रोवाइड करते हैं तो वो इसीलिए कि जी आपके पास रेडियो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, स्टेशन टू स्टेशन कम्युनिकेशन है कि जी दोनों स्टेशन मास्टर आपस में बात कर सकें कि जी ट्रेन इस वक्त कहाँ है। और फिर आपके पास कोई इमरजेंसी कम्युनिकेशन हो कि खुदा ना खासा कोई ऐसा वाकया हो गया है तो आप SOS सिग्नल जनरेट कर सकते। बाज दफा ऐसा होता है कि ट्रेन किसी रूट पे आ रही है
और वहां डाउन ग्रेड है, और अचानक पता चला कि ट्रेन का ब्रेक जो है ना कमजोर है, तो ऐसी सूरत हाल के लिए ना आमतौर पे आपके लेआउट डिजाइन में कुछ जिसको हम स्लिप साइडिंग, कैट साइडिंग, इस तरह के रूट्स बनाते हैं कि ट्रेन को सेफ बर्थिंग पॉइंट पे लेने के लिए पहले उसकी ब्रेक चेक की जाए, और अगर वो ब्रेक रुक नहीं पा रही तो वो ट्रेन जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल साइडिंग पे चली जाए, जो स्लिप साइडिंग पे चली जाए या कैच साइडिंग पे चली जाए। फिर मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए जो है ना आपका एक ऑपरेशनल टाइम टेबल होना चाहिए, ट्रेनों का आना जाना बिल्कुल प्री डिफाइंड हो, और आपके जितने भी रूट्स हैं वो मैनुअली नहीं किसी सिग्नलिंग सिस्टम से लिंक होने चाहिए, उससे कंट्रोल होने चाहिए, ना कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड करें। अच्छा, ये अब हमारे पास कुछ स्पोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। द लेवल ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस शुड मीट स्पेसिफिक टारगेट, मतलब है लेवल क्रॉसिंग पे मेरा स्पेसिफिक टारगेट क्या है कि जब गाड़ी गुजर रही हो कोई रोड व्हीकल रोड पे ना आ सके, उसके लिए मुझे तरीके कार बनाने चाहिए। द सिग्नलिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग रूल शुड बी म्यूचुअली कंपेटेबल, कि सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग रूल जो है उन्हें ट्रांसलेट कर रहे हो, ये नहीं है कि वो उनसे कॉन्ट्रेरी हो या कंट्राडिक्टरी हो। स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन ऑफ सिस्टम शुड टेक अकाउंट ऑफ ह्यूमन फैक्टर एसोसिएटेड विद इट्स सेफ यूज। अच्छा, ये ह्यूमन फैक्टर जो है ना, ये आमतौर पे ना अभी जो नई साइजें एर्गोनोमिक्स कहलाता है, जिसमें आप ये देखते हैं कि कोई भी काम करते हुए ह्यूमन पोटेंशियल्स क्या है, और ये बाकायदा एक नई साइंटिफिक स्टडी है कि जब भी ह्यूमन मशीन इंटरफेस हो तो देखा जाए कि जी वो मशीन इंसान को उसकी कॉग्निशन सलाहियत जो है, या उसकी जो सेक्रेटन है, उसकी जो एनाटॉमी है, उसको सपोर्ट करता। ऐसा ना हो कि बटन ऐसी जगह पे लगा हो जहाँ आपका हाथ ही ना पहुँचता हो, ऐसा ना हो कि ब्रेक ऐसी जगह पे लगी हो जहाँ ब्रेक एप्लीकेशन के लिए आपको जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़े, तो ये चीज़ें भी जो है ना अकाउंट फॉर की जाती है। एनी फेलियर ऑफ सिस्टम शुड मेंटेन और रिवर्ट द स्टेट दैट प्रिजर्व द सेफ्टी ऑफ ट्रेन। अच्छा, ये है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ रही है या कोई भी ऐसी वजह हो रही है, तो जो आपका पर्टिकुलर हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो पॉइंट होता है, कि पॉइंट को चेंज नहीं होना चाहिए, पॉइंट अपनी जगह पे फिक्स रहे, या अगर वो हम उसे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सेट नहीं हो रहा, तो ये नहीं कि वो दरमियान में पड़ा रहे, उसे वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाना चाहिए। तो हमारे डिजाइन में ये चीजें मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड। और सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो रेजिलिएंट हो, कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो है ना उनसे वो मीट विद कर सके। अरेंजमेंट फॉर सिस्टम मेंटेनेंस ऑफ मॉडिफिकेशन शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर ट्रेन ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, कि जब आप भी कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन करें, चेंज करें, या उसके इस्तेमाल को कोई नए तरीके से करें, तो उसके अंदर एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हो कि ट्रेन सेफ्टी जो है ना किसी तरह भी कंप्रोमाइज ना हो। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो लोग जो इस प्रोसेस में हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं, चल रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, या ट्रेन ऑपरेशन के साथ लिंक है, वो कॉम्पिटेंट हो, सफिशिएंटली कॉम्पिटेंट हो। और इसलिए तमाम रेलवेज अपना एक
ट्रेनिंग मैकेनिज्म जो है ना वो जिंदा रखती हैं कि मुसलसल लोगों को कॉम्पिटेंसी चेक भी की जाती रहे, टेस्ट भी की जाती रहे और अपग्रेड भी की जाती रहे। फिर हमारी एक स्पोर्टिंग सेफ्टी रिक्वायरमेंट थी कि जी हमारे सेफ्टी टारगेट्स होने चाहिए, हमें पहले से पता हो कि रिस्क क्या है, वो आइडेंटिफाई हो और उनको कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता हो, और सेफ्टी को, सेफ्टी परफॉर्मेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कोई तरीकेकार मौजूद ताकि वो चेक हो सके। ये हमने पहले भी कहा कि जी सिग्नलिंग जो है वो ऑपरेटिंग रूल्स को ट्रांसलेट कर रही हो, ना कि ऑपरेटिंग रूल जो है ना वो उसके साथ सिंक्रोनाइज ना हो। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डिजाइन ऑफ सिस्टम एंड रूल्स, रूल ऑफ ऑपरेशन इन डिग्रेडेड मोड एज वेल एज नॉर्मल। तो हम स्टेशन पे ना वर्किंग रूल्स बनाते हैं और फिर वर्किंग रूल बनाने से पहले जितना गियर लगा हुआ होता है उसका इस्तेमाल को डिफाइन करते हैं, उस इस्तेमाल की बुनियाद पे हम वर्किंग रूल बनाते हैं। फिर हम उसमें डिफाइन करते हैं कि सपोज दैट एक चीज़ फेल हो गई तो फिर आपने कैसे काम करना है, एक सिग्नल फेल हो गया तो फिर आपने कैसे काम करना है। इस तरह से जो है ना आप तमाम चीज़ों को, ईच एंड एवरी चीज थिंग जो है ना उसे एक्सप्लेन करते हैं। हम अपने ह्यूमन फैक्टर को कि वो किस किस तरह की गलतियां कर सकता है उसे पहले से उस रिस्क को कैलकुलेट करते हैं और उसका मेडिकेशन का कोई मैकेनिज्म बनाते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरा एक आइटम है वो ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि यूज़र उसे मिसयूज ना कर सके, और फिर यूज़र के पास कोई सिमुलेशन का कोई मैकेनिज्म हो जिससे उसे नज़र आ रहा हो कि फील्ड में हो क्या रहा है। ये हमने पहले भी बात की कि अगर सिस्टम फेल होता है तो वो पुरानी स्टेट पे चला जाए ना कि नई स्टेट पे, नंबर एक। नंबर दो ये कि एक हम दो तरह के डिज़ाइन फिलॉसफी याद कर देखते हैं, एक वो सिस्टम जो कि फेल सेफ है कि जब भी कोई फेलियर आया तो वो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव मोड पे आप सिस्टम को ले जाए, दूसरा ये है कि फॉल्ट टॉलरेंट हो कि जी कोई बात नहीं है कि जी फॉल्ट आ गया है लेकिन ट्रेन ऑपरेशन जो है ना वो चलता रहना चाहिए। अच्छा, जहाँ हमारा पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन होता है वहाँ हमारा सिस्टम डिज़ाइन हमेशा फेल सेफ होता है, उसमें हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम जो है ना उसे वो कर। लेकिन गुड्स ऑपरेशन में हम सर्टेन जगहों पे, पॉइंट्स पे एक फॉल्ट टॉलरेंस ऑपरेशन जो है ना उसे अलाउ करते हैं कि ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन से बचा जाए। सिग्नलिंग सिस्टम जो है ना उसे, जो हमारे दूसरे सिस्टम पैरेलल चल रहे हैं उसमें कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना करे, ऐसा हो कि उसका इंटरफेस एग्जिस्ट करता हो, ऐसा ना हो कि जनाब सिग्नलिंग सिस्टम ऐसा हो कि जी बिजली जला के रख दे या वो इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहा है कि और आपके रेडियो सिस्टम बैठ गए हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेटेबिलिटी जो है ये मस्ट भी कंसिडर की जाए, और दूसरी जो आपके पास एसोसिएटेड सिस्टम है इंक्लूडिंग ह्यूमन फैक्टर जो है उसको सिंक्रोनाइज किया जाए, उसके इंटरफेस एग्जिस्ट करें।
सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो ऐसा हो कि अगर कोई अनवारंटेड कंडीशन आ रही है, चाहे वो साइबर थ्रेट है या एक्सटर्नल फॉरेन बीट्स हैं, उनको कंपनसेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्यूनिटी एग्जिस्ट कर रही हो और हार्श इन्वायरमेंट में जो है ना वो काम कर रहा हो, ऐसा ना हो कि टेम्परेचर जो है ना आपका 50 प्लस हो जाए और सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो चलने से इनकार कर। सिस्टम मेंटेनेंस जो है वो प्री डिफाइन हो और उसमें मॉडिफिकेशन जो है वो सेफ ट्रेन ऑपरेशन को इफेक्ट ना करे। जो हमारे रैम्स के स्टैंडर्ड हैं, मतलब रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड सेफ्टी, इसके जो भी प्रोसेसेस हैं वो मीट विद कर रहा हो और डिजाइन जो है अपने एरर्स को कंपनसेट करने का उसमें मैकेनिज्म मौजूद है। कंडीशनल मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक एग्जिस्ट कर रहा हो और मॉडिफिकेशन में कोई आसानी हो, अगर मैं कोई एक चीज उसमें शामिल कर रहा हूँ या निकाल रहा हूँ तो वो मेरे लिए पॉसिबल हो। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जी लोग जो हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, जो सिस्टम पे काम करने वाले हैं उनको उस सिस्टम का नॉलेज हो और आपके पास एक असेसमेंट मैकेनिज्म भी। अच्छा, ये हमारे मतलब है पार्ट्स ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन क्या है, रेलवे में कम्युनिकेशन किस तरह होती है और रेलवे की कम्युनिकेशन जरूरियात किस तरह की। बुनियादी तौर पे इस कम्युनिकेशन को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है, जनरल इंजीनियर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ना कि टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। जब हम मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम देखते हैं रेलवेज में, तो रेलवे क्या करती है कि एक रेल नेट बना लेती है अपना, क्योंकि उसको बेतहाशा चीज़ों की जो है ना कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट होती है, डेटा ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट होती है, सेफ्टी ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उसके लिए बजाय इसके कोई इंडिविजुअल मैकेनिज्म बनाया जाए, नॉर्मली रेलवेज जो है ना एक अपना इंटरनेट सिस्टम बना ले और उसके जो बेसिक पार्ट्स बनते हैं कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम होगा और फ्रेट ऑपरेशन सिस्टम होगा, फ्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, फिर अनरिजर्व टिकट्स जो हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए एक सिस्टम होगा। फिर ऐसा एक सिस्टम होगा जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होगा, जो लोगों को बताए कि ट्रेनें कब आ रही हैं, कब जा रही हैं, आइदर वो एसएमएस के थ्रू या जो है ना अनाउंसमेंट के थ्रू। अच्छा, फिर कुछ इंटरेक्टिव वॉइस सिस्टम्स जो है ना हम लगाते हैं कि लोगों को जो है ना कोई ट्रेन इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो अकॉर्डिंगली जो है ना ऑटोमेटिक रिप्लाईज उन्हें मिलते रहे। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको अपने इसकी खदुखाल तो आपके जहन में आए होंगे। जी दोबारा बोलिएगा, आवाज नहीं आई। मैं नहीं समझा भैया। कौन सा बोल रहे हैं? सर मेरे ख्याल में लाल नबी थे, पर शायद उनकी आवाज सही नहीं आ रही। चलें, अच्छा वैसे जरूरत हो तो आप टेलीफोन पे भी कॉल करके जो है ना डिस्कस कर सकते हैं, इवन आफ्टर प्रेजेंटेशन भी आपको कभी भी जरूरत हो। अच्छा, तो रेल नेट जो है व्हिच इज रन बाय रेलवेज फॉर इट्स कस्टमर सर्विसेज सर्विस पर्पज, पैसेंजर कैन एक्सेस रेल नेट थ्रू इंटरनेट एंड कैन गेट यूजर रिक्वायर्ड डेटा अबाउट ट्रेन शेड्यूल, टिकटिंग, रिजर्वेशन, ट्रेन टाइमिंग इंफॉर्मेशन एट सेट।
इसी तरह पैसेंजर और फ्रेट रिजर्वेशन सर्विसेज जो हैं, द टिकटिंग एंड रिजर्वेशन फॉर रेलवे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंप्लीट द प्री सेल एंड सेल मैनेजमेंट ऑफ टिकट्स कवर्स ऑल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल इंक्वायरीज ऑन द इंटरनेट बर्थ सीट अवेलेबिलिटी पैसेंजर स्टेटस फेयर ट्रेन शेड्यूल एटसेट्रा. ये हमारे अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम जो है उसके बेसिक पार्ट्स किस तरह होंगे कि जी आपके पास एक रिजर्वेशन की स्टोरेज फाइल होगी, एक पैसेंजर के लिए इंटरफेस होगा, आपके पास कंप्लेंट का कोई मैकेनिज्म होगा, आपने तमाम गुफ्तगु का और जो क्रॉस्पोंडेंस है उसका रिकॉर्ड रखना होगा, और टिकट जनरेशन और रिजर्वेशन का एक प्रोसेस होगा जो कि सारा का सारा इस टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू रेल नेट के थ्रू जो है एग्जीक्यूट होगा. फिर हमारे पास पब्लिक एड्रेस सिस्टम होंगे, या तो वो इंडिविजुअली या सेंट्रली कहीं प्लेस होंगे. सेल्यूलर एक्सचेंज है उसके थ्रू जो है हमने पूरे मुल्क से लिंक किया हुआ है, और एक एक सेंट्रल स्विच है मल्टीप्लेक्सिंग की हुई, या कि जब कोई कॉल आ रही है तो उससे हम लिंक कर रहे हैं, इसे हम कंप्यूटर से अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और इंटरनेट से भी लिंक करना. फिर हमारे इंटरेक्टिव रिस्पांस सिस्टम है कि बंदा नहीं है, ऑटोमेटिक रिप्लाई है टिकटों के हवाले से, टर्मिनल मैनेजमेंट के हवाले से, रेवेन्यू कलेक्शन है, गुड्स मैनेजमेंट है, फ्रेट मैनेजमेंट है, क्रू मैनेजमेंट है, स्टाफ मैनेजमेंट है. इन ज़रूरियात के लिए भी आपके पास कोई ना कोई सिस्टम चाहिए होता है. अब ये हमारे प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैं कि वो हम किस किस तरह कर रहे हैं, कि ट्रांसड्यूसर्स हैं, हम एप्लीकेशन मॉड्यूलेशन करते हैं, फिर ट्रांसमिशन करते हैं, फिर उसे रिसीव करते हैं, और किसी ट्रांसड्यूसर के थ्रू उसे जो है ना डिजिबल फॉर्म में जो है ना लेके आते हैं. हमारी आमतौर पे जितनी भी गुफ्तगू होती है जो फेनोमेना है ये एनालॉग होता है, लेकिन मौजूदा टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसेस जो है ना वो सारे डिजिटल होते हैं. तो आमतौर पे तमाम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और पल्स को मॉड्यूलेशन के थ्रू ना उसकी स्ट्रीम्स बना ली जाती है. ये जिस तरह मेथड्स हैं कि हम फाइबर ऑप्टिक यूज करते हैं स्टेशंस के दरमियान में, फाइबर ऑप्टिक हमारा जो है हमें मैक्सिमम बैंडविड्थ देता है और हाई डेंसिटी डेटा जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हैं हम उसके थ्रू. फिर हमारे पास माइक्रोवेव होते हैं जिसको हम एज अ स्टैंड बाय सिस्टम जो है ना यूज़ करते हैं, और साथ में हमारे पास ब्रॉडकास्ट रेडियोज होते हैं ड्राइवरों के पास, स्टाफ के पास, जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना जिसको आप VHF वगैरह कहते हैं अपने लो डिस्टेंस पे ब्रॉडकास्ट करते हैं, पोजिशंस हैं और इस तरह के रिक्वायरमेंट्स जो हैं सारी की सारी. फिर हमने लोकल एरिया नेटवर्क बनाए हुए होते हैं, मुख्तलिफ तरह के एक्सचेंजेस हैं, स्विचेस हैं जो कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनी कनेक्टिविटी के लिए जो है ना जो भी एसोसिएटेड चीज़ें हैं जिसमें आपने शेड्स को लिंक करना है, ऑफिसेस को लिंक करना है, वर्क प्लेसेस को लिंक करना है, स्टेशंस को लिंक करना है, इस तरह से एक पूरा का पूरा सिस्टम इवॉल्व किया जाता है कम्युनिकेशन का. ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम पब्लिक में कोई कम्युनिकेशन सिस्टम इवॉल्व करते हैं तो उसकी तमाम डायमेंशंस देखी जा रही होती हैं, यहाँ पे भी जो है ना हम यही कर रहे हैं. फिर सर ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि SDH और PDH ट्रांसमिशन जो है ये हायरार्कीज हैं, ये इनफैक्ट तरीकेकार हैं कि डिजिटल डेटा जो है ना उससे किस तरह से ऑर्गेनाइज मैनेज और स्टैंडर्डाइज करके
हम जो है ट्रांसमिट करें। ये दो प्रोटोकॉल हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं हमारी ट्रांसमिशन में ना। ये थोड़ा सा टेक्निकल है मेरा ख्याल है, इलेक्ट्रिकल वाले तो शायद समझते हैं, बाकी को शायद इतना इंटरेस्ट भी नहीं होगा इसमें। ऐसे फिर एक मॉडर्न टेक्निक आई है कि पहले जो थी ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती थी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती थी, लेकिन फाइबर ऑप्टिक के आने के बाद एक दिलचस्प सिलसिला शुरू हुआ कि हमने वेव डिवीजन या वेवलेंथ मॉड्यूलेशन शुरू की। तो अब क्या हुआ कि हम एक किसी भी फाइबर से या वेव गाइड से हम एक कंपोजिट सिग्नल देते हैं जो कि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे बेस कर रहा होता है, और मुख्तलिफ कलर्स की या मुख्तलिफ वेवलेंथ की वेव्स जो है ना एक ही फाइबर में हम ट्रांसमिट करवा देते हैं और नेक्स्ट रिसीविंग स्टेशन पे उन्हें सेग्रीगेट करके अलग अलग डाटा कर लेते हैं। तो पूरा का पूरा कलर स्पेक्ट्रम अलग हो जाता है, मतलब वही रेड ग्रीन ब्लू ये सिलसिले अलग हो जाते हैं, और आप इससे जो है ना एक नई कम्युनिकेशन लाइन जो है ना, ऐसा लगता है कि इस फाइबर तो सिंगल है लेकिन मुख्तलिफ कलर्स के थ्रू आप एक ह्यूज डाटा जो है ट्रांसमिट करते हैं। और यहाँ पे जो थ्रूपुट है उसका अंदाज़ा इससे नहीं, उस वो फिर हम पे डिपेंड करता है कि हम फाइबर के इस इनफाइनाइट पोटेंशियल को कितना हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। ये नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं कि जी हमारे पास राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए फायरवॉल्स होंगी और